फरुखाबाद के कंपिल क्षेत्र की ये तस्वीरें भाजपा की दबंगई और यहाँ के लोगों का दर्द बयां करने के लिए काफी हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग दर्जन भर मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने भाजपा मंडल के उत्पीड़न से परेशान होकर अपने मकानों के सामने मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यवर्धन सिंह प्रताड़ित करते हैं, जिसके चलते ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। गुरुवार की शाम को करीब एक दर्जन घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए और इन पोस्टरों में ग्रामीणों ने कारण में भाजपा मंडल अध्यक्ष लिख दिया। इस मामले में ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों पर भाजपा मंडल अध्यक्ष की मिलीभगत से उत्पीड़न का आरोप लगाया। आनन फानन में सीओ के आदेश पर पोस्टरों को उखाड़ फेंका गया। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ की पुलिस भाजपा मंडल के इशारे पर काम कर रही है, जहाँ इन लोगों के द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों को जबरन उखाड़ फेंका गया। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राम कुमार। क्या परेशानी है? परेशानी क्या, अभी 4-5 दिन पहले हमारा ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा था और इंस्पेक्टर साहब आए, बोले ये ट्रैक्टर चोरी का, यहाँ से ले गए। ट्रैक्टर ले जाने के बाद जब उनके पास गए, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोले इसके कागज लेके आओ। हाँ, जब कागज लेके गए तो बोले इसको अभी नहीं छोड़ेंगे, फिर देख लेंगे, ऐसे करके 10-12 दिन चलते रहे। और क्या परेशानी है? और परेशानी ये कि आए दिन ये लोग शिकायतें करते हैं। कौन ये सत्यवर्धन? कौन है सत्यवर्धन? ये मंडल अध्यक्ष है। इनसे क्या रंजिश चल रही है? रंजिश कोई रंजिश नहीं, अब ये पूरे गांव में अपना दबदबा बनाए हुए, आए दिन किसी ना किसी को मारपीट करना। हम इन लोगों से बहुत परेशान है, इन लोगों से परेशानी हम पुलिस के पास नहीं जाते हो? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस क्या करे? पुलिस जाते हैं, वो सुनते ही नहीं हमारी। पुलिस सुन नहीं रही है? उल्टा धमकी देते हैं, क्या वही करते हैं, तुम कुछ नहीं करते, हमारी शिकायत झूठी साथी डाल देते हैं, वो बताते नहीं कौन डालता है, किसी की शिकायत, कल हमारी लाइट की शिकायत डाल दी, लाइट की शिकायत डाल दी, कहीं फर्जी लाइट चला रहे हैं। हाँ, खाना खुद करते हैं और दूसरों का नाम रख रहे हैं, तो इसी वजह से गांव छोड़ के जा रहा है। क्या करें, मजबूरी, हम लोग कहाँ तक पाए, आप क्या चार इतना कर रहे हैं? पुलिस वालों से पूछते हैं, ये बताओ तो नाम बताओ किसने किया, तो वो बताते नहीं, इसका मतलब वही झगड़ा कराते हैं गाँव में।